बाद जिला अधिकारी का रुख कड़ा हो गया है। जिला अधिकारी ने कड़े निर्देश जारी कर दिए हैं, वृद्धा आश्रम के संचालक मानकों को पूरा करें अन्यथा वृद्धा आश्रम को बंद करा दिया जाएगा। जिला अधिकारी की ओर से वृद्धा आश्रम का निरीक्षण किया गया था, जिसमें जिला अधिकारी को कई खामियां मिली थी, जिसके बाद जिला अधिकारी के निर्देश पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी एके पांडे, क्षेत्राधिकारी नगर अभय नारायण राय, समाज कल्याण अधिकारी डॉक्टर इंदिरा सिंह, डॉक्टर राम मोहन, डॉक्टर चंद्र मोहन सक्सेना, आराधना गुप्ता, आरसी पांडे ने वृद्धा आश्रम का औचक निरीक्षण किया। यहां पहुंचकर 11 जगह को बारीकी से चेक करने के बाद पूरी रिपोर्ट जिलाधिकारी महेंद्र बहादुर सिंह को सौंपी, जिसके बाद डीएम ने कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक की और बैठक में कहा कि वृद्धा आश्रम में पूरे महीने का रोस्टर तैयार किया जाए, कोई न कोई अधिकारी यहाँ रोजाना जाए और हालातों का जायजा ले। उन्होंने यह भी कहा है कि सप्ताह में एक बार एसडीएम और कोतवाली प्रभारी भी निरीक्षण करेंगे। यहाँ पुरुष और महिलाओं को रहने की अलग अलग व्यवस्था होनी चाहिए, रहने के साथ पढ़ाई और नर्सिंग स्टाफ भी मुहैया कराया जाए। वृद्धा आश्रम के बारे में कई बार शिकायतें मिलती रहती हैं, संचालक अधूरे मानक पर ही इसका संचालन कर रहे हैं। यदि हालातों में सुधार नहीं हुआ तो इस वृद्धा आश्रम को बंद करा दिया जाएगा।